क्या ये कोरोना की वजह से बढ़ गया? नहीं बताइए शांतनु जी, क्या ये कोरोना की वजह से बढ़ गया? आप बताइए ना मैडम, आपसे पूछ रहा हूँ। आपसे पूछ रहा हूँ मैडम, मैं बताऊंगी तो फिर आप कहेंगे रूबिका लियाकत प्रवक्ता बन गई बीजेपी की, है ना? नहीं, वो हमें कहने की जरूरत नहीं मैडम, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। नहीं आप नमस्कार दोस्तों, पंजाब टुडे टीवी पर आपका स्वागत है, जहां आपको गोदी मीडिया की शर्मनाक हरकतें और उनकी लेटेस्ट इंसल्ट दिखाई जाती है। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन की घंटी बजा दें। तो दोस्तों, पहले शुरू करते हैं हम हमारी सत्ताधारी पार्टी बीजेपी से। आप सबको जानकर शायद हैरानी ना हो कि बीजेपी को साल 2019 में 720 करोड़ का कॉरपोरेट दान मिला। हमारे मोटा भाई अडानी अंबानी मेहरबान तो नफरत फैलाने वाले पहलवान। ये रिपोर्ट पार्टीज के ही अनुसार बनाई जाती है पार्टी के मेंबर्स की दी हुई जानकारी से। तो कुल दान मिला था सभी पार्टीज को 921 करोड़ का, जिसमें से 720 करोड़ अकेले बीजेपी को आए थे। वोटिंग सिस्टम पे थोड़ा ध्यान लगाएं और सोचें कि ऐसी पार्टी बड़े रईसों का फायदा सोचेगी या आप और हम जैसे आम लोगों का। तो जो लोग कहते हैं कि बीजेपी में परिवारवाद नहीं होता, वो ये खबर जरूर सुने। हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह का बेटा, जिसने कभी जिंदगी में जोन लेवल का क्रिकेट नहीं खेला, वो बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया गया। अरुण जेटली का बेटा डीडीसीए का प्रेसिडेंट बना दिया गया। और अब ज्योतिरादित्य का बेटा ग्वालियर क्रिकेट एसोसिएशन का वीपी बना दिया गया। याद रखें, आपके और हमारे बच्चे ही नौकरियों के लिए सड़कों पर मरते हैं, बड़े लोगों के नहीं। अगले क्लिप्स में हम देखेंगे हमारे तिहाड़ी सुधीर चौधरी का वीडियो। जब ये व्यक्ति हॉलीवुड अदाकार के चांटे वाले विवाद पर अमेरिका को नीचा दिखाने में जुटा था, हम आपके लिए लेकर आए हैं सुधीर चौधरी की पत्रकारिता के मुंह पर करारा चांटा। देखें इस वीडियो में, जब ये बंदा ये कहता है कि हमारा देश बहुत ही डेमोक्रेटिक और आजाद सोच वाला है, कैसे ये बंदा एक कॉमेडियन वीरदास को जेल करवाने का एक घंटा शो कर रहा था। कभी भी हमारे देश में किसी एक्टर या कॉमेडियन को इस तरह से लोगों ने मंच पर जाकर थप्पड़ नहीं मारा। उनकी आलोचना जरूर की जाती है, उनका विरोध भी होता है, लेकिन कभी भी हमारे देश के लोग इतने असहनशील नहीं हुए जैसा कि आज आपको विल स्मिथ ने करके दिखाया। इस घटना ने एक देश के तौर पर, एक समाज के तौर पर अमेरिका और पश्चिमी देशों को एक्सपोज कर दिया और ये बता दिया है कि इन देशों के लोग ना तो सभ्य हैं और यहाँ का समाज भी उतना सहनशील नहीं है जितना कि अपने आप को दिखाते हैं। और ये देश लोकतंत्र के चैंपियन भी नहीं है, क्योंकि अमेरिका की जगह अगर आप भारत को देखेंगे तो आपको हमारे देश में ऐसी कोई घटना देखने को नहीं मिलेगी। इसकी तुलना जरा भारत से करके देखिए। आज हम ये मांग करते हैं कि वीरदास ने अमेरिका में जाकर जो अभद्र बातें अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कही है, उन पर मुकदमा चलना चाहिए, FIR होनी चाहिए और वीरदास को अरेस्ट करना चाहिए, गिरफ्तार करना चाहिए वीरदास को। क्योंकि अगर ऐसे लोगों के खिलाफ अब हमने कार्रवाई नहीं की तो इन लोगों की जो हदें हैं ये लोग पार करते चले जाएंगे। तो दोस्तों, ये तस्वीर देखें और हमें बताएं कि क्या भी आप लोग इनको गोदी मीडिया नहीं बुलाओगे? बीजेपी के लोग इन साहब की वीडियोस अपने पेजेस पे शेयर करते हैं और इस वीडियो में कुछ और नहीं है, सिर्फ आम लोगों के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। इन घटिया लोगों को कोई समझाए कि हमें कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है तो आम लोगों के मुंह से निवाला छीन कर हमारे सुप्रीम लीडर अपनी और अपने दोस्तों की थालियों में परोस रहे हैं उससे। बहुत दिन हो गए हमने हमारी चहेती रूबी की लियाकत की कोई नई बेइज्जती नहीं देखी, तो चलिए आज हम देखते हैं इस क्लिप में कैसे असीम वकार ने साबुन लगा लगा कर धोया हमारी रूबी का दीदी को। अरे बहन जी, सबको पता है आप किसके लिए काम करती हैं, बताने की जरूरत नहीं है। मुझे तो ये लगता है कि जब लोगों के अपनों की लाशों को कुत्ते खाने लगे तो समझो स्मार्ट सिटी बन गया। जब नदियों में आपके अपनों की लाशें तैरने लगे और आप असहाय हो जाएं तो समझिए स्मार्ट सिटी बन गया। यही नहीं, अभी और सुनिए। जब आपके पास कब्रिस्तान कम पड़ जाए दफनाने के लिए और कोई इंतजाम ना हो तो समझिए स्मार्ट सिटी बन गया। दूसरी बात, मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि आज हम लोग जब सवाल उठाते हैं कि पेट्रोल की क्या कीमत हो गई,
डीजल की क्या कीमत हो गई, अरहर की दाल क्या भाव बिक रही है, प्याज क्या भाव बिक रही है, महंगाई कहाँ पहुँच गयी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 450 का सिलेंडर 900 में बिकने लगा तो ना तो कोई मीडिया वाला हमारा समर्थन कर रहा है, ना कोई पत्रकार हमारा समर्थन कर रहा है, ना कोई एंकर हमारे साथ खड़ा हो रहा है, ना कोई बड़ा ग्रुप हमारे साथ खड़ा हो रहा है, कोई सवाल पूछने वाला नहीं। मैडम ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इस हिंदुस्तान में जहाँ 135 करोड़ की आबादी है, इस हिंदुस्तान में जहाँ 80% लोग गरीब है, अमीरों की बात नहीं कर रहा हूँ, 80% गरीब है। आपने कभी पूछा कि उनकी नौकरियाँ चली नहीं? सही, तो इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। आज पोजीशन ये आ गई कि 350 करोड़ लोग अपनी EMI नहीं जमा कर पाए, जमा नहीं कर पा रहे। क्या होगा उनका? उनके पास अगर पैसे होते तो EMI जमा करते। और अभी तो रुको, क्लाइमेक्स अभी बाकी है। आप एक गली बना रहे हैं, एक सड़क बना रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, 70 लाख लीटर से ज्यादा खपत हो रही है पेट्रोल की, 70 लाख लीटर ज्यादा डीजल की खपत हो रही है। $27 प्रति बैरल खरीद कर 20 रुपए की लागत का पेट्रोल 70 रुपए, 80 रुपए, 90 रुपए तक बेचा जा रहा है, और उसके बाद में आप एक जिले की एक गली बना रहे हैं, तो आप बहुत खुश हो रहे हैं? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। हम सवाल किससे पूछे? आप रूबिका जी हमारी सवाल आगे नहीं पहुँचाती, हमारी बात का जवाब नहीं देते आप लोग। हम भी इसी देश के नागरिक है, हमें नहीं अपने सवाल पूछने का। आपने अपनी बात रखी है, बगैर रोक टोक के बात रखी है, तो इस बात को वापस जरूर ले लीजिएगा। ये विक्टिम कार्ड मत प्ले कीजिएगा कि कोई एंकर आपको बोलने नहीं देता है, ठीक है? और पेट्रोल का पैसा, ये बात ध्यान रखिएगा, किसी के जेब में नहीं जाता है, वो सरकार के खजाने में जाता है। हाँ, ये महंगा क्यों है, इसमें मैं भी आपके साथ पोस्टर लेकर खड़ी हो सकती हूँ। बेटा लगता है तुम खा के ही मानोगे। ये ज्ञान जो आपने दिया मुझे, ये 2014 से पहले आपने स्मृति ईरानी को नहीं दिया था, सुषमा स्वराज जी जो मरहूम है उनको नहीं दिया था आपने? कौन सा ज्ञान? ये ज्ञान देती है आप उनको कि जो पेट्रोल के ऊपर जो गैस का सिलेंडर सर पे रख के डांस हो रहा था। अबे ओ दिवाली, महंगाई की बात कर रहे थे, पेट्रोल महंगा, डॉलर के जब रेट ऊपर जाते हैं, रुपया गिरता है, तो कैसे ज्ञान देती उस वक्त सरकार की आमदनी कम नहीं थी, कैसे ज्ञान देती? अरे मैडम बात तो सुनिए, आपदा नहीं आई थी उस वक्त, कोरोना पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च नहीं हो रहे थे। वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर सरकार का खजाना या खाली नहीं हो रहा था, 35,000 करोड़, कैसे ज्ञान देती? कोरोना लाते उस वक्त तो ज्ञान दे पाती ना हुजूर? अच्छा, हमको सिखा रिया है, इतना भी तो समझिए ना, थोड़ा बेसिक BASICS बेसिक थोड़ा वो तो आपको आना चाहिए ना। मैं तो नहीं भागता कहीं, मैं तो आपकी बात ही का जवाब दे रहा था। मैं आपकी शिकायत सर आंखों पर रखता हूँ, और मैं कोशिश करूंगा कि हर सरकार को चश्मा तैयार रखना चाहिए जो मोदी जी देते हैं आप लोगों। अच्छा, गजब बेइज्जती है। चश्मा है कोरोना आपको लगता है? चश्मा है कोरोना आपको लगता है? चश्मा है नहीं मैडम, मैं पेट्रोल प्राइस की बात कर रहा हूँ। मैं मैडम डीजल की बात कर रहा हूँ, मैं मैडम गैस की बात कर रहा हूँ। अरे भाई मैडम सरसों के तेल की बात कर रहा हूँ, मैं आपको इस वक्त प्राकृतिक आपदा से जिस तरीके के हालात बने हैं उसकी बात कर रही हूँ। मैडम मैं कोरोना की नहीं, मैं कह रहा हूँ कि 240 रुपए का जो सरसों का तेल बिक रहा है, 60 रुपए से ऊपर जाकर 8 वाला तेल 240 बिक रहा है, क्या ये कोरोना की वजह से बढ़ गया? नहीं। बताइए शांतनु जी, क्या ये कोरोना की वजह से बढ़ गया? आप बताइए ना मैडम, आपसे पूछ रहा हूँ। आपसे पूछ रहा हूँ मैडम, मैं बताऊंगी तो फिर आप कहेंगे रूबिका लियाकत प्रवक्ता बन गई बीजेपी की, है ना? नहीं, वो हमें कहने की जरूरत नहीं मैडम, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। मेरे पास कोई आवाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी जाता हूँ। आपके दिल में ऐसी बात लिखी हुई है कि जो बेसिक चीजें आपको बता दे और जो आपके आपके कहे मुताबिक ना बोले वो सामने वाला बीजेपी प्रवक्ता है ना? नहीं मैडम, मजा आया, और मैं ये जो मजा है। तो अगली तस्वीर में देखें दोस्तों कैसे आपको सोशल मीडिया के माध्यम से झूठ परोसा जाता है, और ये झूठ एक आम व्यक्ति को भक्त बनाने के लिए, अंधभक्त बनाने के लिए काफी है। ये पेज जिसका नाम है वी सपोर्ट राम टेम्पल, इसने ये तस्वीर पोस्ट की जिसमें ठाकुर पूरन मल सिंह यादुवंशी के बारे में बताया गया। लिखा है कि इन्होंने औरंगजेब को 3 बार हराया, कभी गुलामी स्वीकार नहीं की, 15 वर्ष तक मेहनत की मध्य प्रदेश को मुगल मुक्त बनाने के लिए, और औरंगजेब इनसे इतना डरता था कि कभी भी इन्हें जंग के मैदान में नहीं मिला।
तो चलिए जरा हम इंटरनेट पर सर्च करते हैं कि ठाकुर पूरन मल सिंह जी का देहांत कब हुआ। इनका देहांत हुआ सन 1534 में। और अब सर्च करते हैं औरंगजेब का जन्म कब हुआ। देखें, औरंगजेब का जन्म हुआ सन 1618 में, तो तकरीबन 86 साल बाद पैदा हुए औरंगजेब को ठाकुर पूरन मल जी ने 3 बार हरा दिया था। औरंगजेब से अगर पूरी टक्कर ली थी तो वो थे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।